गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मैं हूँ अभी कोटद्वार में और यहाँ से जा रहा हूँ मैं अमरनाथ। तो यहाँ से डायरेक्ट अमरनाथ के लिए गाड़ी तो नहीं मिलेगी, बट यहाँ से मैंने हरिद्वार जाना बाई बस। उसके बाद मेरी ट्रेन बुक हो चुकी है जो कि 24 घंटे पहले होती है, वो इमरजेंसी वाली, वही बुक करवाई थी भाई कल। और उसके बाद वहाँ से वो ट्रेन है मेरी 6 बजे से अमरनाथ के लिए, यानी जम्मू जाते हैं पहले, तो जम्मू से फिर उसके बाद भगवती नगर पड़ता है आगे, वहीं तक जाती है गाड़ियाँ, तो जम्मू तक ही ट्रेन है। तो यहाँ से मैंने अभी जम्मू जाना, 1:30 बज चुके हैं भाई, तो टाइम कम है। बाकी मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा था कुछ, मैंने एक्चुअली टी शर्टें छपवाई थी अपने चैनल के नाम से, ये अभी उल्टा आ रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा जो है अभी वो सेल्फी मोड में है, तो उसको मैं दिखाऊंगा आपको। बाकी भाई अमरनाथ पहुंचते हैं, आज तो जम्मू पहुंचूंगा, अभी यहाँ से आज जम्मू भी नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि जम्मू कल सुबह पहुंचूंगा मॉर्निंग में 4 बजे। तो अभी तो मैं यहीं पे हूँ कोटद्वार में हनी भाई के घर पे, और जा रहा हूँ भाई यहाँ से। बाकी मिलेंगे आपको हरिद्वार में। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं भाई रेलवे स्टेशन हरिद्वार में, और आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे है, ये है भाई रेलवे स्टेशन का गेट और ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। और यहां से मेरी जो ट्रेन है वो अमरनाथ की ट्रेन तो नहीं है, बट एक्चुअली अमरनाथ के लिए वैसे भी ट्रेन जाती नहीं है, अमरनाथ के लिए मेरे को जम्मू से बस लेनी पड़ेगी, बट मेरी जो ट्रेन है यहाँ से वो है जम्मू की। तो जो जम्मू की ट्रेन है वो जाएगी भाई यहाँ से मेरी 6:24 पे, और अभी मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, यानी मैं 4:30 बजे पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, और अभी जो टाइम हो रहा है 4:45 होने वाले। बाकी देख सकते हैं भाई पीछे ये यहाँ का हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे भाई मैं एक्चुअली एक चीज आपको और बता दूं कि मैं बस और क्या बोलते हैं गाड़ियों में काफी ट्रेवल कर चुका हूँ, बट यार भाई जो मेरा रेलवे का है मतलब ट्रेन में मैं फर्स्ट बार ही ट्रेवल कर रहा हूँ, क्योंकि इतना मतलब अभी तक इतनी अपने लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा मेरा ट्रेन का, क्योंकि मैं वैसे इससे पहले चंडीगढ़ में जब रहता था तो काफ़ी लोग वैसे चंडीगढ़ के लिए ट्रेन करके जाते हैं, बट मेरे को कभी ज़रूरत की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक हिसाब से, मैं बस में ही चले जाता था, बट मैं ट्रेन का मैंने सोचा ही नहीं कभी। तो अब जब ट्रेन में एक्चुअली लंबा है काफ़ी वहाँ के लिए जम्मू के लिए समथिंग यहाँ से बता रहा है 600 कुछ किलोमीटर, तो 600 कुछ किलोमीटर जाना है भाई, तो मतलब ट्रेन में तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर इसलिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई, देखते हैं कैसा रहता है। बाकी आप देख सकते हैं मेरे पीछे शानदार सा रेलवे स्टेशन हरिद्वार का। बाकी मिलेंगे आपको, आज तो पूरी रात सो के जाना है, आज स्लीपर करवा रखी मैंने, तो अब रात में पता नहीं ब्लॉग बन पाएगा कहाँ का बनाना है, वैसे भी ट्रेन में क्या ब्लॉग बनाना है, बट आप यहाँ का नज़ारा वैसे देख सकते हैं, शानदार सा व्यू है। अभी आया हूँ खाना खाने, और इसके बाद एक्चुअली यहाँ पे भाई बारिश भी स्टार्ट हो गई अभी, तो मेरे को यहाँ पे रेलवे स्टेशन के किनारे पे ही एक भाई रेडी वाला मिल गया था, तो उनके यहाँ पे खाना खा रहा हूँ भाई। उसके बाद बाकी मेरा खाना भी आ चुका है, बाकी बारिश भी लग गई भाई यहाँ पे, बारिश आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई हरिद्वार में अभी। खाना खा के भाई इसके बाद निकलना है, एक्चुअली अभी ट्रेन नहीं आई थी, मैं ट्रेन का पता करने गया था, वहाँ पे ट्रेन मेरी आई नहीं थी, उसके बाद ट्रेन का आ जाएगी थोड़ी देर में, तो उसमें सामान रख के फिर बैठ जाना इसके बाद। बस थोड़ा
सुनील मेरी पहली ट्रेन का सफर भाई स्टार्ट हो चुका है हरिद्वार से और जम्मू कश्मीर। आप देख सकते हैं ट्रेन चल रही है पूरी दर्राटे काट रही है। अभी अब जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर, इसके बाद जाना मैंने आगे अमरनाथ। पहली ट्रेन का सफर है मेरा, पहली बार मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ। खुशी है अंदर से बाहर से। चलिए भाई आज तक जरूरत नहीं पड़ी ट्रेन में बैठने की, क्योंकि वैसे मैं सफर मैंने बहुत कर लिया। चंडीगढ़ तो मैं कितनी बार जाता आप फिर रहता था, बट मैं कभी चाहे ट्रेन से गया बस से जाता था नहीं। बट यहाँ के लिए इस बार ही जा रहा हूँ ट्रेन से, मेरी पहली ट्रेन का सफर है। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं भाई जम्मू में और आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है इसी ट्रेन में आया मैं और ये जा रही है आगे कटरा, यानी कटरा पड़ता है जहां पे वैष्णो देवी माता के लिए जाते हैं, वहीं तक जाती है यहां पे जम्मू में लास्ट ट्रेन, उसके आगे कहीं मतलब ट्रेन नहीं जाती है, वो लास्ट स्टेशन। अभी बज चुके हैं भाई 6 और जो हमारी ट्रेन थी वो थी 4:40 पे, उसमें हमें यहाँ छोड़ना था, बट ये ट्रेन थोड़ा लेट हो गई और हमारी वाली ट्रेन ये दूसरी ट्रेन आ गई, हमारी वाली ट्रेन थोड़ा अभी अभी आ गई चलेगी। बाकी आप देख सकते हैं भाई मैं जम्मू में हूँ अभी, जम्मू का व्यू अभी 6 बज रहे हैं 6 बजे, यहाँ पे बिल्कुल धूप निकल गई मेरे जो फेस पे लग रहा है बैक साइड में, यहाँ भी होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। नई दिल्ली आने वाली श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बाकी अब जाना है भाई यहाँ से आगे, अभी तो मैंने मार्केट से कुछ सामान लेना है तो मार्केट के खुलने का वेट कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं आगे भगवती नगर से फिर अमरनाथ जाना है। बाकी यहाँ का मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। सूर्योदय हो गया भाई यहाँ पे, देख सकते हैं अभी आप कितना प्यारा व्यू लग रहा है। ये है जम्मू तावी रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति सुपरफास्ट सो गाइस आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड होप करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक्चुअली आज का जो ब्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया था कल और इसको एंड कर रहा हूँ आज, यानी पिछले दिन स्टार्ट किया था अगले दिन उसको एंड कर रहा हूँ। इसमें आपको एक दिन और एक रात की मैंने अपनी पूरी लाइफ दिखाई। बाकी अभी जम्मू पहुँच चुका हूँ और आगे मैंने जाना अमरनाथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अमरनाथ, तब तक के लिए बाय।